हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के तहत मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था ए बिंदुसार, बी अशोक, सी घनानंद और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, यानी दूसरे नंबर का सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज और डी वैशाली। तो इसका सही आंसर है बी पाटलिपुत्र। तीन नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की, ए चाणक्य, बी धनानंद, सी मेगास्थनीज और डी सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य, यानी कि चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चौथा नंबर का सवाल देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई ए 351 ईस्वी पूर्व में, बी 320 ईस्वी पूर्व में, सी 320 ईस्वी में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 320 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, ए अशोक महान, बी बिंदुसार, सी तीवर और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य, 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए छः नंबर का सवाल, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ 311 ईस्वी पूर्व, बी 315 ईस्वी पूर्व और सी 320 ईस्वी पूर्व और डी 305 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा बी 315 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। उसके बाद सात नंबर में देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, ए सिकंदर, बी सेल्यूकस और सी डेमेट्रियस और डी डिमोक्सिस डिमोक्लिस। तो इसका सही आंसर होगा बी सेल्यूकस निकेटर। आठ नंबर का सवाल देखिएगा, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ए अशोक, बी उदयन, सी अजातशत्रु और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। नौ नंबर का सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ए चाणक्य, बी तीवर, सी मेगास्थनीज और डी भद्रबाहु। तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य या विष्णुगुप्त था। ठीक है, दस नंबर का सवाल देखिएगा, दस नंबर कह रहा है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, ए ईरानियों से, बी यूनानियों से और सी शकों से और डी यूचियों से। इसका सही आंसर होगा बी यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक के शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा सी इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ए मौर्य, बी शूद्र और सी गुप्त और डी कुषाण। तो इसका सही आंसर होगा ए मौर्य। तेरह नंबर का सवाल देखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। इसका सही आंसर है डी यानी के इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं ए कालिदास, बी कौटिल्य, सी भवभूति और डी मिलिंद। तो इसका सही आंसर होगा बी कौटिल्य, यानी कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है। पंद्रह नंबर का सवाल देखिएगा, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, ए स्ट्रैबो, बी फाइयान, सी मेगास्थनीज, डी युआन चुआंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी मेगास्थनीज। 16 नंबर देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था, ए अशोक, बी बिंबिसार, सी तीवर और डी बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा डी बिंदुसार। ठीक है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी तीवर, डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा बी बिंदुसार के समय में पिंगलवत्स रहता था, एंड पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। 18 नंबर का सवाल देखिएगा,
अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख में, बी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, सी शिलालेख 13 में और डी सोपरा अभिलेख में। इसका सही आंसर होगा शिलालेख 13 में। 19 नंबर का देखिएगा, तीर्थ बौद्ध संहिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी कनिष्क और डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा डी अशोक। तीर्थ बौद्ध संहिति की अध्यक्षता किसने की? ए मोगली पुत्र तिस्स, बी पिंगलवत्स, सी महाकश्यप और डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर होगा मोगली पुत्र तिस्स। बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगिरी, बी वैशाली, सी कुंडलवन और डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। 22 नंबर का सवाल देखिए, तीर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व, बी 269 ईस्वी पूर्व, सी 234 ईस्वी पूर्व और डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 251 ईस्वी पूर्व में तीर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद 23 नंबर देखिए, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सी अशोक। 24 नंबर का सवाल देखिए, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? ए कलिंग, बी सिंधु, सी कंबोज, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कलिंग। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, अशोक का धम्म था ए नैतिक आचार संहिता, बी प्रशासनिक संहिता, सी युद्ध संहिता, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए नैतिक आचार संहिता। 26 नंबर का सवाल देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ए सुवर्णगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती और डी वैशाली। इसका सही आंसर है बी पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी बोधगया और डी वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी बोधगया। उसके बाद देखिए, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ए 9वें वर्ष, बी 10वें वर्ष, सी 11वें वर्ष और डी 7वें वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ए भागलपुर, बी कैमूर, सी चंपारण और डी छपरा। तो इसका सही आंसर होगा सी चंपारण, यानी अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। ए लौरिया अरेराज, बी लौरिया नंदनगर, सी रुमेन देई और डी रामपुरवा। इसका सही आंसर है सी रुमेन देई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्रासी या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ए वैशाली, बी राजगिरी, सी तोसली, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। इसका सही आंसर है सी यानी लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में, बी राजगिरी में, सी वैशाली में, डी मनेर में। तो इसका सही आंसर होगा ए कुम्हरार में। यह 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। ठीक है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है? किसके शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बताना कर सकते हैं? ए फाइयान, बी मेगास्थनीज, सी एरियन और डी बी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा सी एरियन, एरियन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 35 नंबर का सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ए हुएनसांग, बी फाहियान, सी मेगास्थनीज, डी चाणक्य। तो इसका सही आंसर होगा बी फाहियान। उसके बाद देखिए, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी दशरथ, सी अशोक और डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा सी अशोक। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार। ठीक है,
उसके बाद 37 नंबर में देखिएगा, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी का गुफा, गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी बिंदुसार ने और डी दशरथ ने। तो इसका सही आंसर होगा डी दशरथ ने, यानी दशरथ अशोक का पुत्र था। उसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38 नंबर का सवाल देखिएगा, मौर्य कालीन चामार ग्रहणी अक्षमृति प्राप्त हुई है। ए दीदारगंज पटना में, बी वैशाली में, सी बसार में, डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा ए दीदारगंज में। उसके बाद 39 नंबर में देखिएगा, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ए सोनपुर वैशाली, बी लोहानीपुर, सी बसार वैशाली, डी भागलपुर। तो इसका सही आंसर है बी लोहानीपुर पटना। 40 नंबर का सवाल है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। ए सेल्यूकस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी चाणक्य ने, डी जस्टिन ने। तो उसका सही आंसर होगा बी मेगास्थनीज ने। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी कनिष्क। इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। 42 नंबर का सवाल देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। तो इसका सही आंसर होगा बी पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। ए अशोक के, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोली ब्रोथ्स यानी पाटलिपुत्र को उपनाम धारण किया था। ए विलियम जॉन्स, बी प्लूटर्क, सी जस्टिन और डी स्ट्रेबो। तो इसका सही आंसर है डी स्ट्रेबो। यूनानी दूत डी मॉल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर होगा बी बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिंदी स्तंभ और सी कीन स्तंभ और डी भावरू स्तंभ। तो इसका सही आंसर होगा डी भावरू स्तंभ। 47 नंबर में देखिएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया। ए आजीवकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसका सही आंसर होगा ए आजीवकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी। ए पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी सांची और डी उज्जैनी। तो इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। 49 नंबर का सवाल देखिएगा, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है। ए चाणक्य का, बी डी मॉक्सिस का और सी मेगास्थनीज का, डी फाइयान का। तो इसका सही आंसर होगा सी मेगास्थनीज का। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, यानी 49 क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।